हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमजीएम क्लासेस विद मी संगीता खतकर। आज के वीडियो में हम क्लास 8 की ज्योग्राफी बुक का चैप्टर 2 लैंड सोइल वाटर एंड नेचुरल वेजिटेशन का टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन पे डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपने पहले के वीडियोस देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। कि जो नेचुरल वेजिटेशन है उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड प्राइमरली ऑन द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। कि जो ग्रोथ है वेजिटेशन की, वेजिटेशन मीन्स जो पेड़ पौधे हैं वहां पर जो वनस्पतियां पाई जाती हैं, तो उनकी जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है, बेसिक चीज होती है उसके लिए कि वहां का टेम्परेचर कैसा है, वहां पर मॉइस्चर कैसा रहता है, नमी वाला है या बिल्कुल ड्राई जोन है, उस पर डिपेंड करता है। द मेजर वेजिटेशन टाइप ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टुंड्रा। जो मेजर वेजिटेशन टाइप है वर्ल्ड के अंदर, तो उनको अलग अलग ग्रुप में कैटेगराइज कर दिया है, उनके अलग अलग ग्रुप बनाए हैं, जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड जो वन है, घास के मैदान है, स्क्रब झाड़ियां वगैरह है, और टुंड्रा। इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज में थ्राइव। अब बात करें अगर अपन उन एरियाज में जहाँ हैवी रेनफॉल होता है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो बड़े बड़े जो ट्रीज हैं वहां हमें देखने को मिलेंगे, बहुत लंबे। द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएट विद एरियाज हैविंग एबंडेंट वाटर सप्लाई। और जो फॉरेस्ट एरियाज हैं, इस तरह से उनमें बहुत प्रचुर मात्रा में वाटर सप्लाई होती है। एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीज द साइज ऑफ ट्रीज एंड दे डेंसली रिड्यूसेस। और इस तरह से जो अमाउंट है मॉइस्चर का वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, कब? एज अ साइज ऑफ ट्रीज एंड देयर डेंसिटी रिड्यूसेस। जैसे जैसे साइज होता है ट्रीज का वो कम होता है और उसकी डेंसिटी रिड्यूस होती है उसके अकॉर्डिंग। इन द रीजंस ऑफ मॉडरेट रेनफॉल शॉर्ट स्टंट ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो फॉर्मिंग द ग्रासलैंड। अब बात करते हैं अपन उन रीजंस में जहां पर मॉडरेट रेनफॉल होती है, ना ही बहुत ज्यादा बारिश होती है और ना ही बहुत कम होती है। मॉडरेट रेनफॉल मीन्स सामान्य, जहां बारिश होती है वहां पे छोटे स्टेम वाले ट्रीज पाए जाते हैं एंड ग्रासेस ग्रो फॉर्मिंग द ग्रासलैंड। और वहां पर जो ग्रासेस ग्रो होती है उससे वहां पर बड़े दूर दूर तक घास के मैदान ग्रो हो जाते हैं वर्ल्ड में। इन ड्राई एरियाज की बात करें अगर, तो लो रेनफॉल ड्राई एरियाज के अंदर बारिश बहुत कम होती है। लो रेनफॉल की वजह से वहां पर थ्रोनी श्रब्स होती है, कंटीली झाड़ियों वाले एंड स्क्रब्स ग्रो होते हैं। इन सच एरियाज प्लांट्स हैव डीप रूट्स। अब उन एरियाज के अंदर, किन एरियाज, जहां पर लो रेनफॉल होती है, उन एरियाज के अंदर प्लांट्स जो होते हैं उनकी रूट जो होती है वो बहुत डीप होती है, क्योंकि वो वाटर सर्च करने की वजह से नीचे डेप्थ में जाती रहती हैं। और उनकी जो लीव्स होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं और मोटी होती हैं एंड हैव थ्रोनी एंड वैक्सी सरफेस ऑफ द रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर बाय ट्रांसपिरेशन। और उनकी जो लीव्स की जो सरफेस होती है वो वैक्सी होती है, जिनके ताकि वो मॉइस्चर जो होता है ट्रांसपिरेशन के टाइम में उसको होल्ड करके रख सके, सारा मॉइस्चर लॉस ना हो। टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन। अब आते हैं नेक्स्ट टुंड्रा वेजिटेशन, तो उसके अंदर कोल्ड पोलर रीजन बताए हैं, कंपेराइजेस ऑफ मोजेस एंड लिचेंस, ये वहां की बात करी है। अभी अपन ने 4 रीजन पढ़े हैं, तो एक में जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, एक में मॉडरेट रेनफॉल, एक में बिल्कुल ना कम बारिश होती है, और एक बात आती है जहाँ पर पोलर रीजन, जहाँ पर बिल्कुल कोल्ड रीजन होता है, जहाँ पे स्नोफॉल वगैरह होता है, वहां की बात। फॉरेस्ट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज एवरग्रीन एंड डेसिडियस। तो अब उसके बाद में जो फॉरेस्ट है उनको भी आगे क्लासिफाइड कर दिया है, एक बताया एवरग्रीन मतलब हमेशा सदाबहार वाले, हमेशा हरे भरे रहने वाले, और दूसरा बताया डेसिडियस। डेसिडियस मीन्स पतझड़ वाले, जिनके की पत्ते जो होते हैं वो झड़ जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हेन दे शेड देयर लीव्स। तो ये बात जो है उन्होंने डिसाइड किया है, ब्रॉडली क्लासिफाइड किया फॉरेस्ट को, ये डिपेंड करता है कि जो पेड़ है वो अपनी पत्तियां कब झड़ते हैं उनकी। एवरग्रीन फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव्स स्टिमुलेटली इन एनी सीजन ऑफ द ईयर। अब बात कर रहे हैं एवरग्रीन की, मतलब सदाबहार फॉरेस्ट की, कि वो हमेशा सदाबहार, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है एवरग्रीन मतलब हमेशा हरे भरे रहने वाले फॉरेस्ट। तो होल ईयर में वो अपनी पत्तियां एक साथ कभी भी नहीं शेड करते हैं, कभी भी उनकी पत्तियां नहीं झड़ती हैं, हमेशा हरे भरे रहते हैं। लेकिन अगर बात करें डेसिडियस फॉरेस्ट की, मतलब पतझड़ी वनों की, शेड देयर लीव्स इन अ पर्टिकुलर सीजन, लेकिन वो अपनी लीव्स पर्टिकुलर सीजन में शेड कर देते हैं टू कंजर्व लॉस ऑफ मॉइस्चर, ताकि वो मॉइस्चर को कंजर्व करके रख सकें थ्रू ट्रांसपिरेशन।
ट्रांसपिरेशन के टाइम में। दीज फॉरेस्ट आर फर्दर क्लासिफाइड एज ट्रॉपिकल और टेम्परेट बेस्ड ऑन देयर लोकेशन। ये जो फॉरेस्ट हैं आगे उनको फर्दर क्लासिफाइड किया गया है एज ट्रॉपिकल और टेम्परेट बेस्ड के ऊपर कि उनकी लोकेशन क्या है अलग अलग लेटिट्यूड्स में। यू हैव लर्न इन डिटेल अबाउट द वेरियस फॉरेस्ट टाइप। तो इसके बारे में अब आगे जब हम अलग अलग फॉरेस्ट टाइप पढ़ेंगे उसमें डिटेल में पढ़ेंगे देयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड द एसोसिएट एनिमल लाइफ इन द प्रीवियस क्लासेस। अब आगे बता रहे हैं कि टुडे देयर आर मैनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड देन देयर वर टू सेंचुरीज बैक। अब बात करें कि वर्ल्ड के अंदर बता रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं देयर आवर टू सेंचुरीज बैक की बात करें टू फीड द ग्रोइंग नंबर लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर। तो इतना बढ़ती हुई संख्या पॉपुलेशन कंटिन्यू बढ़ती हुई जा रही है तो इतने लार्ज एरिया के अंदर जो फॉरेस्ट है उनको साफ कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन जो ग्रो हो रही है वो कहाँ रहेगी तो उनको रहने के लिए स्पेस चाहिए तो वो क्या करते हैं फॉरेस्ट को क्लियर कर देते हैं क्रॉप्स लगाने के लिए। फॉरेस्ट कवर ऑल द ऑल ओवर द वर्ल्ड इज वैनिशिंग रैपिडली। तो जो फॉरेस्ट वर्ल्ड के अंदर जितनी दूर में जंगल फैले हुए थे अब आज वैनिश हो रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी साफ हो रहे हैं। जंगलों की कटाई बहुत ज्यादा हो रही है। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्सेज। और इसीलिए जो ये जो मूल्यवान कीमती रिसोर्सेज हैं हमारे इनको कंजर्व करने की बहुत नीड है। रिसोर्सेज में हमने ऊपर पढ़े थे लैंड है सोइल है ये हम पढ़ते आ रहे हैं वाटर है ये हमारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं इनको कंजर्व करने की बहुत ज्यादा नीड है। हमारा आगे का टॉपिक यही है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की हमारे जिस किस तरह से जो ये नेचुरल वेजिटेशन है वो खत्म होती जा रही है तो हमें उसको बचाने के लिए किस तरह से कंजर्वेशन करना चाहिए। फॉरेस्ट आर आर वेल्थ। फॉरेस्ट ही हमारी वेल्थ है। प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स। प्लांट जो होते हैं वो एनिमल्स को शेल्टर देते हैं एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम और आपस में मिलकर वो इकोसिस्टम बना के रखते हैं एक बैलेंस बना के रखते हैं। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंसेस कैन कोज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट। अब बता रहे हैं कि चेंज आते हैं जब क्लाइमेट में चेंज आते हैं या फिर ह्यूमन इंटरफेरेंस से क्लाइमेट में से चेंज मतलब अगर बहुत ज्यादा बारिश हो गई है उससे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं लैंडस्लाइड्स वगैरह हो जाते हैं या बिल्कुल भी बारिश नहीं होती जंगल पूरे सूख जाते हैं ड्राइनेस की वजह से कई बार उनमें आग लग जाती है या फिर ह्यूमन इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो लोगों को रहने के लिए घर चाहिएगा या बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए फैक्ट्रीज बनाने के लिए तो पूरे जंगल साफ कर दिए जाते हैं तो इसकी वजह से नेचुरल हैबिटेट जो हो रहे हैं उनको लॉस हो रहा है चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स। मैनी स्पीसीज हैव बिकम वल्नरेबल और इंडेंजर्ड। बहुत सारी स्पीसीज हैं आप देख रहे हैं कि वो इंडेंजर्ड है या फिर वो बिल्कुल कम होने लग गई है और कुछ तो खतरे के निशान से नीचे चली गई एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन और कुछ तो बिल्कुल खत्म होने की कगार पे हैं बिल्कुल ना के बराबर रह गए हैं। डिफॉरेस्टेशन सोइल इरोजन कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज। अब बता रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है तो डिफॉरेस्टेशन होता है जंगलों की एक साथ कटाई हो रही है सोइल इरोजन मिट्टी का कटाव होता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होती हैं फॉरेस्ट में आग लग जाती हैं सुनामीज ये आ जाती हैं या लैंडस्लाइड्स होती हैं तो कुछ ऐसे ह्यूमन मेड और नेचुरल फैक्टर ऐसे हैं जो कि इन चीज़ों को इफेक्ट डालते हैं एक साथ मिलकर और उसकी वजह से हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। ऑन द मेजर कंसर्न इन द इंक्रीजिंग इंसिडेंट ऑफ पोचिंग दैट रिजल्ट इन अ शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर पोचिंग की बात हो रही है कि हम मेजर कंसर्न करते हैं कि धीरे धीरे कुछ इंसिडेंट ऐसे भी बढ़ रहे हैं जिसमें लोग शिकार करते हैं पोचिंग करते हैं और उसका रिजल्ट ही निकलता है कि शार्प जो डिक्लाइन है जो पर्टिकुलर स्पीसीज है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। जैसे कि कुछ लोगों को शौकिया लोग क्या करते हैं टाइगर होती है उसकी जो स्किन होती है बाहर की उसको अपने घर में लगा देते हैं और वो बहुत ही शान और शौकत को समझते हैं कि हमारे घर में हमने लगाया है। पहले लोग राजा महाराजा शिकार करके आते थे तो वो अपना वो दिखाने के लिए हमने कितने लॉयन या कितने टाइगर्स का हमने शिकार किया हुआ तो उनकी स्किन्स लगाते थे। तो पर्टिकुलर अगर किसी भी एनिमल किस तरह से लगाते हैं तो वो स्पीसीज जो है उसका बहुत ज्यादा क्या डिक्लाइन होने लग जाता है। द एनिमल आर पोज फॉर कलेक्शन। अब एनिमल को पोज क्यों किया जाता है तो वो ये बता रहे हैं कि कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड। तो ये इलीगल तरीके से है व्यापार के लिए लोग करते हैं उनकी स्किन के लिए नेल्स के लिए टीथ होर्न्स के लिए एज वेल एज फीदर और बहुत से उनके फीदर्स के लिए भी करते हैं जैसे कि जो सॉफ्ट फीदर्स वाले होते हैं तो कपड़े बनाने में उनमें यूज किए जाते हैं स्किन से भी ड्रेसेस वगैरह बनाई जाती हैं
जैसे एलिफेंट है, एलिफेंट के टीथ का यूज बहुत सारी अलग सामान बनाने के लिए, बैंगल्स वगैरह बनाने हैं या क्रॉकरी आइटम है या डेकोरेटिव आइटम है वो बनाने के लिए किए जाते हैं। सम ऑफ दीज एनिमल्स आर टाइगर, तो ऐसे ही जिनका पॉचिंग बहुत ज्यादा होती है ऐसे एनिमल्स में बताया है, टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसॉर, स्नो लेपर्ड, ऑस्टिच और पिकॉक, ये सब बताए हैं। दीज कैन बी कंजर्व बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस, तो इन सबको हम कंजर्व कब कर सकते हैं, जब लोगों में इस चीज को लेकर अवेयरनेस बढ़ेगी, तो इसके लिए हमें लोगों में अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी। आगे जैसे यहाँ पर एक इन्होंने न्यूज़पेपर का बताया है कि कैसे कैलिफोर्निया के जो फॉरेस्ट हैं तो उनमें फायर लग गई थी, यहाँ पे पूरा उन्हीं का दिखा रखे हैं, कि नीचे ही दिखा रहा है कि एक जो बच्चा था वो मैस्टिक से स्टार्ट करा था और उससे यूएस में फायर लग गई थी, नीचे भी ये चीज शो करी है। और बाकी कैलिफोर्निया का बता रहा है कि किस तरह से कैलिफोर्निया के अंदर कितना लॉस हुआ है उससे, तो ये एक्टिविटी दी गई है, इसके बारे में आगे बताया गया है। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो अभी कंजर्वेशन करने के लिए फिर गवर्नमेंट ने क्या है, फॉरेस्ट वगैरह के अंदर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाती हैं, जैसे नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बायोस्फीयर रिजर्व आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड इज नेसेसरी टू सेव द प्रीसियस रिसोर्स फ्रॉम डिप्लेशन, तो कंजर्वेशन जैसे कि क्रीक्स का, लेक्स का, वेटलैंड्स का, ये बहुत जरूरी है ताकि हम हमारे प्रीसियस रिसोर्सेज हैं उनको डिप्लेशन से बचा सकें, उनको खत्म होने से बचा सकें। यहाँ पर बात कर रहे हैं नेशनल पार्क की, कि नेशनल पार्क क्या होते हैं, तो नेचुरल एरिया, वो एक नेचुरल एरिया डेजिनेटेड टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी को बचाने के लिए वन और मोर जो इकोसिस्टम है जो प्रेजेंट है उसमें और फ्यूचर जनरेशन से बचाने के लिए उसको नेचुरल पार्क का बताया है उन्होंने। देयर इज अ बैलेंस इन द एनवायरमेंट इफ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज इज नॉट डिस्ट्रीब्यूट, अब यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर एक बैलेंस चलता रहता है एनवायरमेंट के अंदर, इफ द रिलेवेंट नंबर ऑफ स्पीसीज, कब, जब रिलेवेंट जो स्पीसीज है इज नॉट डिस्टर्ब, अगर हम उस स्पीसीज को डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो। ह्यूमन एक्टिविटीज इन सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द नेचुरल हैबिटेट्स, लेकिन जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं बहुत सारे पार्ट में वर्ल्ड के बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि डिस्टर्ब करती हैं नेचुरल हैबिटेट्स को और उनकी बहुत सारी स्पीसीज बहुत खत्म होने के कगार पे आ जाती है। ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग, बिना सोचे समझे मारना, सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव इधर बिकम एक्सटिंक्ट, तो वो कुछ तो विलुप्त भी हो गए हैं और आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, या फिर वो बिल्कुल खत्म होने के कगार पे हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी इंकरेज्ड एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल, तो इसके लिए हमें अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए, सोशल फॉरेस्ट्री, जैसे कि सोशल फॉरेस्ट्री है या फिर वन महोत्सव मनाया जाता है तो उससे इंकरेजमेंट मिलेगा, वहाँ की कम्युनिटी लेवल जो है वो अपने लेवल पे करते हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाते हैं कि अभी वन महोत्सव चल रहा है, सबको ट्रीज प्लांट करने चाहिए, स्कूल चिल्ड्रन शुड बी इंकरेज फॉर बर्ड वॉचिंग, तो स्कूल के बच्चों को भी इंकरेज करना चाहिए कि किस तरह से बर्ड वॉचिंग करना चाहिए, विजिटिंग करना चाहिए नेचुरल कैंप्स में, सो दैट दे अप्रिशिएट द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड स्पीसीज, ताकि वो अप्रिशिएट कर सकें जो हमारे नेचुरल हैबिटेट है उनके अलग अलग स्पीसीज को। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने कि लो निकाल रखा है, ये डिक्लेयर कर रखा है कि द ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड एंड एनिमल आर इलीगल, कि अगर व्यापार किया जा रहा है बर्ड और एनिमल का और उनको मारा जा रहा है तो वो इलीगल है, गैर कानूनी होगा। इंडिया के अंदर किलिंग ऑफ लॉयन, टाइगर, डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पिकोस हैव बीन बैन, तो इंडिया के अंदर भी ये बैन किए हुए हैं, लेकिन फिर भी लोग छुप कर करो चाहे कैसे भी करो ये गलत काम करते हैं। एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स हैज बीन एस्टेब्लिश दैट लिस्टेड सेवरल स्पीसीज ऑफ एनिमल, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स है तो उन्होंने ये स्थापित करी थी कि लिस्ट बताई थी सेवरल स्पीसीज की, एनिमल्स की एंड बर्ड्स की, इन विच ट्रेड इज प्रोहिबिटेड, जिसमें ये बताया गया था कि ट्रेड जो है उसको बिल्कुल रोका गया है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज एन इथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, और कंजर्वेशन करना चाहे वो कंजर्वेशन प्लांट्स का हो चाहे एनिमल्स का हो, हर सिटीजन की वो एक ड्यूटी है, उनको उस ड्यूटी को फॉलो करना होगा। इस तरह से हमने देखा कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें उनको कंजर्व करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज हैं वो नॉन रिन्यूएबल है, वो रिन्यू नहीं होते हैं, और जो लाइफ होती है वो सबकी ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए हमें किसी भी एनिमल्स को, बर्ड्स को, इनको
किल नहीं करना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। मीट यू सून विद अ न्यू टॉपिक। सो स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।